बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम पीच का जूस बनाएंगे। इसके लिए हम लिए हैं 4 पीच और ये देखें, इसे छील कर काट लेंगे और इसका बीज निकाल देंगे। और 3 चम्मच चीनी और 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी वाइट नमक और थोड़ा सा बर्फ़ की। देखें, इसे काट लिए हैं, बीज निकाल दिए हैं काट कर। अब इसे ब्लेंडर में डालेंगे और बर्फ़ डालेंगे। और चीनी डालेंगे और काला नमक वाइट नमक डालेंगे। आपको अगर काला नमक पसंद नहीं है तो आप ना डालें, सिर्फ वाइट नमक 1 चुटकी डाल दें। और 1 गिलास पानी डाल के इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। देखें, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। और ये जूस ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा होता है। आड़ू का जूस सेहत के लिए भी और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। देखें, ये ब्लेंड हो चुका है। अब इसे गिलास में डालेंगे और 2 बर्फ क्यूब डालेंगे। और पुदीने का पत्ता लगाएंगे गार्निशिंग के लिए। ये देखें, ये ठंडा ठंडा पीच का जूस तैयार है। आप ज़रूर बनाएं, खुद भी पिएं, घर वालों को पिलाएं, खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। देखें, ये माशाल्लाह से कितने मज़े का लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।